अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव क्लब। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत मज़ेदार से इवनिंग स्नैक। ये देखें, यहाँ हमने आज पोटैटो नूडल्स बनाई हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो बड़े आलू लिए थे, उनको बहुत अच्छे से पेस्ट बना लिया था उनका। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, एक एग बीट किया हुआ एंड लास्ट पे कॉर्नफ्लावर। मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इनका बहुत स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, मैंने इनको मिक्स करके बहुत स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था। अब मैं एक पैकिंग बैग लूँगी और सारे मिक्सचर को उसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक बैग ले लिया था। मैं अपना सारा पेस्ट इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ मैं एक पैन लूँगी, उसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। मेरा पैन थोड़ा बड़ा है तो बहुत ज़्यादा ऑयल डालना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, यहाँ मैंने ऑयल डाल लिया था और अब मैं अपने नूडल्स बनाना स्टार्ट करती हूँ। बस आपने सिंपल बैग लेना है, छोटा सा होल करना है उसके सेंटर पे और अपनी राउंड राउंड उसको बस पैन में समझे घुमाना है और बहुत टेस्टी आपके देखें नूडल्स बन के तैयार हो जाएंगी। कोई भी शेप बना सकते हैं आप, लाजमी नहीं है कि आप उसको राउंड राउंड घुमाएंगे, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। बस आपको पैन में शेप करना है इसको और देन ये लाइट से गोल्डन हो जाएंगे तो हम लोग ना इसको पैन से निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैं बना लूँगी, जितनी स्पेस मुझे मिलती है उतने में बना लूँगी। ये देखें, यहाँ बहुत अच्छे से गोल्डन हो गए थे तो मैं इनको पैन से बाहर निकाल लेती हूँ और डिश आउट करके देन आपको दिखाते हैं। मैंने अपने सारे नूडल्स बना लिए थे और उनको ये देखें डिश आउट कर लिया। ये कितने टेस्टी लग रहे हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग इवनिंग में ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को बना कर खिलाएँ तो ये बहुत टेस्टी बहुत यमी बनते हैं। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।